स्टूडेंट्स हमने जो लास्ट मॉड्यूल है उसमें कंपैरिजन किया था पॉजिटिव पिस्टमोलोजी का इंटरप्रटिविस्ट अपिटमोलोलोजी के साथ और अब हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं पॉजिटिविस्ट पिस्टमोलॉजी का क्रिटिकल सोशल साइंस की अपिस्टमोलोजी के साथ तो अगर हम इसमें इस कंपैरिजन में, इस में जो पहली चीज़ है वो देखें कि क्या पर्पज़ है सोशल साइंटिफिक रिसर्च का तो क्रिटिकल सोशल साइंस के जो मानने वाले हैं वो ये समझते हैं कि वी प्रोड्यूस सोशल साइंस नॉलेज टू रिवील व्हाट इज़ हिडन टू लिबरेट एंड एम्पावर पीपल इनका मानना ये है कि जो मुशरा है उसमें इनक्वालिटी है और माशरा जो है वो एरिना ऑफ इनिटी है माशरे में जो पाए जाने वाले लोग हैं उनके के लिए जो है इक्वल लाइफ चांसेस नहीं है और माशरा एक क्लास सिस्टम होता है माशरे में और वो क्लास सिस्टम जो है वो आपके लाइफ चांसेस को डिटरमिन कर रहा होता है जैसे कि अगर आप लोयर क्लास से हैं तो आपके लाइफ चांसेस में भी डिफरेंट हों और अगर आप अलीट क्लास से हैं तो आपकी लाइफ चांसेस इंटायरली डिफरेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू द मिडिल क्लास एंड लोहर तो ये ये कहते हैं कि किसी भी मुशरे में जो ट क्लास होती है जो अपर क्लास होती है और वो जो है उस माशरे के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उस माशरे के जो सोशल इंस्टीट्यूशन हैं और उस माशरे का जो लॉ है वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है अलीट क्लास के और उनको जो है एक तरह से फेवर देता है तो क्रिटिकल सोशल साइंस ये कहती है कि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो जो प्रोड्यूस होना चाहिए वो उसमें आ, ये जो हिडन रियलिटीज़ हैं ये खुलकर सामने आनी चाहिए और जो लोअर क्लास है और जो मिडिल क्लास है उसको ये पता चलना चाहिए कि उनकी जो मसाइल हैं जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके पीछे कौन से नासिर कार फरमा है? नेचर ऑफ़ सोशल रियलिटी की बात करें तो पॉजिटिविस्ट ये समझते थे कि रियलिटी जो है वो एक ऑब्जेक्टिव चीज़ है और जो क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि सोशल रियलिटी हैज़ मल्टीपल लेयर्स जो रियलिटी जो हमें सामने नज़र आ रही होती है ये इतनी ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं है बल्कि इसके एग्जिस्टेंस के मल्टीपल लेयर्स हैं यानी जो अलीट है वो रियलिटी क्रिएट करती है लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लिए एंड पीपल हैव अनरियलाइज्ड पोटेंशियल एंड आर मिसल बाय बाई सोशल लाइफ इज़ रिलेशनल, यानी हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम अगर किसी भी अंडर डिवेलप सोसाइटी की डेवलपिंग सोसाइटी की या डेवलप्ड सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पर जो लोअर uh, क्लास के रहने वाले लोग हैं और जो मिडिल uh, क्लास के रहने वाले लोग हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ख़ुद से अलीट क्लास के इंटरेस्ट को और उनको फेवर uh, प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो क्रिटिकल सोशल साइंटस्ट ये कहते हैं कि हमें ये जो आ, जो मिसलेड किया गया है हमें इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है और सोशल लाइफ को रिलेशनल होना चाहिए कि जो है आ, ऐसा नहीं है कि अगर कोई लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखता है तो उसको भी उन्हीं स्टैंडर्ड्स के साथ जज करना चाहिए जिसके साथ हम मिडिल क्लास या अपर क्लास को करते हैं अगर हम बात करें ह्यूमन एजेंसी के ऊपर तो क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट ये कहते हैं कि देर इज़ अ बाउंडेड इटानमी इसका मतलब ये है कि आप किस क्लास से तल्लक रखते हैं उसकी बेसिस पे आपकी ह्यूमन एजेंसी डिसाइड होती है अगर आप लीड क्लास से तल्लु रखते हैं तो यू हैव मोर फ्रीडम इन द स्टेट यू हैव मोर फ्रीडम इन द सोसाइटी एंड यू कैन गाइड द अदर्स एज वेल एंड इफ यू बिलोंग टू द मिडिल क्लास यू हैव रेलिटिवली मोर एजेंसी एज कम्पेयर टू द लोअर क्लास बट इफ़ यू बिलोंग टू द लोअर क्लास यू डू नॉट हैव एनी एजेंसी यू जस्ट फॉलो वट टोल्ड टू यू और थ्योरी ऑफ सोशल रियलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि रियलिटी जो है एम्बेडिड है सोशल स्ट्रक्चर्स जो पावरफुल सोशल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें और साइंटिफिक नॉलेज क्यों प्रोड्यूस किया जाता है क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट ये मानते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज इज़ इम्परफेक्ट बट कैन फाइट फॉल्स कॉन्शियसनेस साइंटिफिक नॉलेज की प्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है कि हमें लोगों की जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है उसको जो है करेक्ट uh, करना है यानी उसको क्लास कॉन्शियसनेस में बदलना है यानी उनको अपने राइट्स का पता हो और उन्हें इस चीज़ की रियलाइजेशन हो कि उनकी जो मिजरीज़ हैं उसके रिस्पॉन्सिबल कौन हैं और अगर हम सोशो पोलिटिकल वैल्यूज इन साइंस की बात करें तो क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट ये मानते हैं कि साइंटिस्ट आर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इन बोथ वेज दे कैन डील विद द रियलिटी एंड द नॉलेज ये क्लियर स्टांस नहीं लेते अबाउट द ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द नॉलेज एंड साइंस ये ये कहते हैं क्योंकि रियलिटी रिलेटिव है इसलिए हम इसको बोथ साइड से देखते हैं सब्जेक्टिविटी के लेंस से भी और ऑब्जेक्टिविटी के लेंस से भी